सारा संसार सोया है, शहर सोया है, गांव सोया है, सब बेहोश है। कोई होश में कहां है? होश में होने के लक्षण ही नहीं, बेहोशी में संसार पड़ा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। विशाल देव कहते हैं सारा जगत चंचल मन की धारा में बहा जा रहा है, और जैसे मुर्दा नदी की धारा में बहता है, ऐसे जिंदा लोग चंचल मन की धारा में बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो क्या दशा होती है? कबीर बीजक में कहते हैं मोहन, उन्होंने मन को मोहन कहा। कबीर साहब भी बड़े मनोरंजक थे, उन्होंने मन को मोहन कहा। बोले तुम्हारा मन मोहन है, जहां देखो वहां तुम मोह जाते हो। जहां देखो स्त्री का मन मोहिनी और पुरुष का मन मोहन है। मोहन और मोहिनी का किस्सा है, मोहन रखा। साहेब कहते हैं इस संसार के विषयों में, संसार के भोगों में, संसार के राग रंग में, संसार के आकर्षण में, संसार के मोह ममता में जो तुम्हारा मन मोहित हुआ है, ये मोहित हुआ मन, ये सम्मोहित मन तुमको जहां तहां ले जाएगा, न जाने कहां कहां भटकाएगा। नहीं पति राहल तुम्हारा होगा, तुम्हारा आता पता भी नहीं रह जाएगा, तुम कहां से कहां उड़ गए, कितना बर्बाद हो गए। ये मन देखिए, विजय माल्या को इंडिया से मन विदेश ले गया है भगाकर, कितने गुंडे लफंगे माफिया को, कितने सीएम पीएम को ये मन लालच में फंसा कर तिहाड़ जेल में ले गया है। यही तो हाल है, यही नहीं पति रहा तुम्हारा हो और क्या कहिए। जो जेल मंत्री थे वो 5 साल से जेल में बैठे, और जनता भी इतनी कम समझ की है, कोई मंत्री बन जाए उसके पीछे लोग बहुत जोर से भागते हैं, बहुत जोर दौड़ते हैं, गाड़ी लेकर भागते हैं मंत्री जी के पीछे स्वार्थ में। इतना गुरु जी के पीछे भागो तो तुम्हारा मन तुमको जेल में ले ही नहीं जा पाएगा। अब वो मंत्री जी के पीछे भाग रहे हो, मंत्री जी जेल मंत्री थे, 2 महीने बाद पता चला वो जेल में बंद हो गए, कोई व्यभिचार किया है, कोई औरत से व्यभिचार किया और उस लड़की के गर्भ रह गया तो उसको मार भी डाला। व्यभिचार करने में तो बहुत मजा आया, लेकिन जब गर्भवती हो गई लड़की तो सोचा इसके द्वारा जो पैदा होगा बच्चा, तो वो बच्चा फिर हिस्सा भी लेगा, हिस्सा तो ये व्यभिचार का किस्सा तो जरूर देने पड़ेंगे हिस्से, हिस्सा देने में क्या, तो हिस्सा ना देना पड़े इसलिए मार डाला इसको। कितनी स्त्रियों की हत्या किया है व्यभिचारी पुरुषों ने, भ्रष्ट पुरुषों ने, और ये स्त्रियां भोली भाली हैं फिर भी फंस जाती पुरुषों के चक्कर में। मत फंसना, सावधान, बहुत नालायक है पुरुष। और कितने पुरुषों की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है लड़कियों के चक्कर में, फिर भी लड़के फंस जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। कितने सर कलम हो गए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने पाप हुए हैं, इसमें रखा क्या है, क्या रखा बोलना। ये तो कुत्ते और कुतिया की जिंदगी है, मनुष्य को तो अपना मन बस में रखना चाहिए। मन बस में रखो, एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, सब जर्जर हो जाएगा, एक कदम चलना मुश्किल होगा। आज कहाँ तुम गलत राह पर दौड़ रहे हो, पानी उठाकर पीना मुश्किल होगा, कहाँ तुम खड़े दारू पी रहे हो। एक दिन वो आने वाला है
तुम्हारे आंखों से तुम्हारा चश्मा भी नहीं दिखेगा कहाँ रखा है। इन आंखों से क्या क्या गलत गलत देख रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, इन कानों से कोई पूछेगा, पापा ठीक हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तुम कहते हो अजीब, कान अच्छे थे इनसे गंदे गंदे गाने सुनते थे, ईयरफोन लगाकर कान में लीड घुसेड़कर गाना सुन रहे हो। ये कान भी साथ छोड़ेंगे, आंख साथ छोड़ेगी, दांत भी साथ छोड़ेंगे, हाथ पांव सब ढीले होंगे, पांव ढीले होंगे, बुद्धि भी कमजोर होगी। जिस बुद्धि से सब कुछ याद किया है वो बुद्धि भी स्मरण खो देगी। याद रखना, उन दिनों की याद कर लो। शरीर शक्तिहीन हो उससे पहले भी तुम्हारे मन में भक्ति पैदा हो जानी चाहिए। मृत्यु के बाद ये अस्थियां बिखरे उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था जुड़ जानी चाहिए। ये अस्थियां चिता में जले उससे पहले ये अस्थियां गुरु के चरणों में आस्था करने लग जाए, आस्था करने लग। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। नैनों की दृष्टि खत्म हो उससे पहले ही गुरु का, महान पुरुषों का दर्शन कर लो, दृष्टि सुधार लो। कानों से श्रवण ना कर सको उससे पहले कानों से सत्संग सुन लो, ताकि बेड़ा पार हो सके, बेड़ा पार हो सके। ताली बजा दिया करो, कोई डरने की बात नहीं, जोर से बजा दो, एक बार बजा के। हाँ, ये मुर्दा जैसा सत्संग करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत दुखी हो। यहाँ हम भी तुमको दुखी कर दे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे देख रहा हूँ मैं, सबके चेहरों पर दुख झलक रहा है, टेंशन झलक रही है, तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है। सत्संग का मतलब है कि हमारे तनाव को जो कम कर दे उसे सत्संग कहते हैं, जो टेंशन से पेंशन दिला दे, जो व्यसन को छुड़ा दे, जो फैशन कम करा दे उसे सत्संग कहते हैं, जो उदासी, निराशा, हताशा, डिप्रेशन को खत्म कर दे और हंसी खुशी जिंदगी में पैदा कर दे उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सत्संग। जो परिवार के साथ में तालमेल से रहना सिखा दे, जो आनंद विभोर होकर के ताली बजाना सिखा दे उसी का नाम सत्संग है।